पहले प्रूफ के साथ देख लेना। अभी इस अकाउंट में यहाँ पे जो ब्लू टिक नहीं है, अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा, आपको अपना ब्लू टिक लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगाना है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम दे देना है, आपका जो भी इंस्टाग्राम का नाम है यहाँ पे दे देता हूँ। फिर उसके बाद जस्ट आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है, कंट्री यहाँ पे मैं इंडिया ले लेता हूँ। आप सब कुछ अप्लाई होने के बाद जस्ट यहाँ से आप टिक लगा दो, फिर आपके अकाउंट में टिक आ जाएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे जो ब्लू टिक लग चुका है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह किसी मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, आप यहाँ पे इसका जो वेरीफाई हुआ है जो देख सकते हैं, वेरीफाई हो चुका है। आप सबसे पहले आपको मैं इसकी वीडियो की लिंक के अंदर भी दे दूंगा, आप जाके प्रूफ के साथ देख लेना इसके फॉलोअर कितने हैं। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ब्लू टिक मुझे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी अपने ब्लू टिक कैसे लगाना है बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लगाए, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लेते जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर जो है ब्लू टिक देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे जो एक अकाउंट में यहाँ पे ब्लू टिक लगाने की कोशिश की थी, यहाँ पे मैंने कैसे लगाया आप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, अगर आपका भी इंस्टाग्राम यहाँ पे जो है कोई अकाउंट है और आप चाहते हो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर ब्लू टिक को ऐड करना यानी कि ब्लू टिक को लगाना, तो कैसे आप सब लोग लगा सकते हैं इन दिनों 2023 में। अगर आप लगाना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम के अंदर जो है ब्लू टिक वेरिफिकेशन पेज, तो कैसे आप लगा पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने यहां पे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगाने के लिए आप जो है यहां पे अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आपको जाना होगा। यहां पे सबसे पहले आपको अपने यहां पे ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप यहां पे ओपन करता हूं ब्राउजर, आप सभी लोग अपने यहां पे ब्राउजर को ओपन कर लो, चाहे तो आप गूगल का भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहां पे सर्च करना है मीटा वेरीफाई वेटिंग लिस्ट। आप कुछ इस तरीके से आप सभी को अपने यहां पे जो इंस्टाग्राम को यहां पे ब्लू टिक लगाने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाके मीटा वेरीफाई वेटिंग लिस्ट आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे कुछ इस तरीके से मीटा वेरीफाई वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा, आप देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मीटा वेरीफाई वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना। अभी यहाँ पे मैं आपको देता हूँ आपको यहाँ पे ब्लू टिक ऐड कैसा करना है अपने प्रोफाइल पे। आप सबसे पहले आप इस वाली साइड पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से एक फॉर्म फिल आ जाएगा, आपको अपने डिटेल्स दे देनी है, अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का नाम और साथ में आप सभी को अपना जो है पूरा नाम देना होगा और लास्ट नेम देना होगा। उसके बाद आप सभी को अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस को यहाँ पे देना होगा, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको अपना ब्लू टिक का कुल डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ब्लू टिक आ जाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे जो है इनकमिंग अपडेट्स होंगे कुल ईमेल एड्रेस के थ्रू आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देना चाहिए। उसके बाद अपना कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लो। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बाय टिकिंग का ऑप्शन रहता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस टिकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप सभी लोग आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ से फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अकाउंट टाइप। तो आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सभी को फेसबुक पे लेना चाहते हो तो फेसबुक पे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम के अंदर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप सभी को आपका जो भी यहाँ पे फर्स्ट नेम है आपको ध्यान से फर्स्ट नेम देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे देख लो मैंने फर्स्ट नेम दे देता हूँ अपना यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम आपको अपना जो है फर्स्ट नेम दे देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट नेम देना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है वही आपको नेम यहाँ पे देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब अभी आपको यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो है वोटर आईडी और यहाँ पे साथ में आपको यहाँ पे जो वोटर आईडी का भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। मैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या कर लो, अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम दे दो, जैसे आप दे देंगे उसके बाद ईमेल एड्रेस दे दो। ईमेल एड्रेस आप अपना जो है कोई भी दे सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट आपको उसको रखना चाहिए। उसके बाद अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो, अगर आप इंडिया से ही हो तो इंडिया ही सेलेक्ट करना, ठीक है। आप यहाँ से जो इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया से होगे। उसके बाद सब कुछ करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ब्लू टिक यहाँ पे जो है आप वेटिंग लिस्ट में लग जाओगे, ठीक है। आप वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख लो आपको यहाँ पे क्या करना होगा। अगर आप यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में हो या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हैं आप मैं बता देता हूँ, ठीक है। वेटिंग लिस्ट पे अगर आपको चेक करना है तो देखिए आपको सेम टू सेम वेरीफाई यहाँ पे देख सकते हो मीटा वेरीफाई आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे अभी आपको दूसरी साइड पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। ये जो मीटा की साइट है ऑफिशियल यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ से इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करना चाहिए, इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लो। अब इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में हो या नहीं, ठीक है।
आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यूर ऑन द वेटिंग लिस्ट, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे देखो, आपको जो आपने ईमेल दिया था उसी ईमेल पे आप जो है आपको एक मेल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अप्लाई करने के लिए भी क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए आप कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे इसको ओपन कर लो, ओके कर लो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है मुझे इस अकाउंट पे जो है फ्रेंड के अकाउंट में यहाँ पे ब्लू टिक आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो ब्लू टिक आ चुका है इसको यहाँ पे, इसको पहले से यहाँ पे आ चुका था, मतलब कि आप देख सकते हो इसी अकाउंट पे यहाँ पे ब्लू टिक लग चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जो है ब्लू टिक ऐसे नहीं लगता, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे अप्लाई करोगे आपको जो यहाँ पे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, ठीक है, डिटेल्स कुछ भी नहीं देना है, जस्ट आप सभी लोग यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के अंदर जो है ब्लू टिक लगाने के लिए आपको जो यहाँ पे डिटेल जो है आपको यहाँ पे अपना जो वोटर आईडी या फिर आपको जो यहाँ पे अपना जो यहाँ पे पैन कार्ड का रहेगा, पैन कार्ड, ठीक है, आप जो है अपना जो है पैन कार्ड का जो है आपको डिटेल देना चाहिए, ठीक है। अब और आपको ध्यान से याद रखना है आपका जो कि यहाँ पे जो है अंडर 18 होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि अंडर 18 मतलब कि आपको जो है 18 से आपको जो है ऊपर होना चाहिए, यानी कि 17 से लगभग आप जो 18 के अंदर होना चाहिए, आपकी एज जो यहाँ पे 18 के अंदर होना चाहिए तभी आपको ब्लू टिक लग जाएगा, वरना आपको यहाँ पे जो है ब्लू टिक नहीं लगने वाला है, ठीक है, वरना आपको यहाँ पे ब्लू टिक नहीं लगने वाला है। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे जो है 17 ईयर हो 16 ईयर्स हो तो आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा, आपको जो है अबव, आपको यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ, आपको जो आपकी एज जो यहाँ पे 18 तो होनी ही चाहिए आपको, अगर आपको 18 लग गया तो बस आपको यहाँ पे ब्लू टिक मिल जाएगा। आपको बस अपना पैन कार्ड का डिटेल लेना है, उसके बाद अपना पैन कार्ड का फोटो आपको देना पड़ेगा, अगला स्टेप मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो उसके बाद आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लगभग आपको जो है पेमेंट जो है करना पड़ेगा 699 का, ठीक है, आपको यहाँ पे 699 का, उसके बाद आपको हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे हर मंथ आपको अपना सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा, तो तभी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ब्लू टिक। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको मैं बता दूंगा डिटेल के साथ। बस आपको एक बार से वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट के बाद अगला प्रोसेस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था, ठीक है।